विकृत मानसिकता किस हद तक किसी को शैतान बना सकती है, इस बात का अंदाजा क्या आप लगा सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि इंसानी खाल में छिपा भेड़िया किस हद तक गिर सकता है। रूह कपकपा देने वाली जिस वारदात को तकरीबन 17 दिन गुजर चुके हैं, वहां गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है कि सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, सिर शर्म से झुक जाएगा कि पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये नकाबपोश इंसानी खाल में छिपे भेड़िए से कम तो यकीनन नहीं। तो चलिए अतीत के पन्नों में दफन हो चुकी उस तारीख के पन्नों को फिर से पलटा जाए जहां गोरखपुर की रहने वाली एक फूल सी बच्ची अपनी मां की आंखों के सामने से उछल हो गई, जिसकी तलाश में परिवार दर दर की खाक छानता रह गया, लेकिन उनकी लाडली नहीं मिली बल्कि दिल और दिमाग को सन्न कर देने वाली अनहोनी का एहसास हुआ। तो परिवार बिलखने पर मजबूर हो गया, लेकिन साजिश का शिकार बनी बच्ची की कोई खबर नहीं लगी कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन जब सच्चाई परिवार के कान तक पहुंची तो बिलखने पर मजबूर उस परिवार ने अपना कलेजा पत्थर करके उस सच को नकारा, जहां गांव से 3 किलोमीटर दूर नदी किनारे तैरती एक 7 साल की बच्ची की लाश पड़ी थी, जो कोई अनजान नहीं थी बल्कि उस घर की खुशी थी जिसे रात के अंधेरे में शैतान उठा ले गया था। लेकिन क्यों और कैसे मुक्का किस तरीके मारे हैं? शादी हुई कौन सन में छोड़ी बताओ? डेढ़ साल पहले। कितना दिन बकवर भी छोड़ गई थी? दवा ववा खाते थे कोई? कोई दवा ववा खाते थे? पुलिस कप्तान के पीछे खड़े से शख्स के चेहरे पर नकाब डाला गया है क्योंकि जो इसने किया है वो जघन्य है, लेकिन इसकी पहचान हम उजागर करेंगे कि इस चेहरे की पहचान क्या है। गौर से देख लीजिए, सिर पर टोपी पहने मीडिया के सामने अपनी रफ्तार बढ़ाकर आगे बढ़ता ये वही दरिंदा है जो उस मासूम का गुनहगार है, लेकिन इंसानी खाल में छिपे इस भेड़िए ने बच्ची को क्यों अपना शिकार बनाया? क्या उसकी काफी दिनों से यही नापाक हसरत थी? यकीनन नहीं। मासूम की लाश से सेक्स, दरिंदे की बीवी से चल रही थी अनबन, बीवी घर छोड़कर रहती थी मायके, शैतान ने गैर महिला से बनाए संबंध, रिश्ते में चाची लगने वाली महिला से नाजायज ताल्लुका, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए खाई दवाइयां, शक्तिवर्धक दवाई का करता था इस्तेमाल, जिस्मानी संबंध से पहले खाता था दवा। वे पहला बार आई लहन है मिले तू से? हाँ। तू बुलौले रहलो? नहीं हम बुलौले नहीं रहले हैं। हाँ। तो कैसे जानकारी भइल कि ओके उठा ले गई? ओके जानकारी हम आई लमरे लगे टार्च बनले मोबाइल मुंह पे, तब नींद में राली था ऐसे ऐसे हटा दे ली के मल्ली काधला हटा दे ली, तो ओकरे बाद में फिनु सुती गई ली, सुतले के बाद में तब फिनु आए कान कब ले गए लेके हमके पते नहीं चलल। उसके साथ गलत भी किया था? हाँ गलत किया था है? गलत किया था। मरने से पहले की मरने के बाद मरलहू पर कैला है और फिर मर गए के बाद में कैला। और हैरान करने वाली यही हकीकत है कि जिस दरिंदे ने सेक्स पावर बढ़ाने की दवा खाई उस दिन उसकी चाची ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया। रात गहरी थी और हवस का पुजारी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए छटपटा रहा था, जिसे एक जिस्म की तलाश थी, लेकिन उस दिन उसे कोई नहीं मिला बल्कि इस दरिंदे की नजर एक फूल सी बच्ची पर पड़ी जो अपनी माँ के साथ सो रही थी। घात लगाए दरिंदे ने बच्ची को एक शिकारी भेड़िए की तरह दबोच लिया और फिर जो किया वह मासूमियत चीख भी ना पाई। कहर बनकर टूटे दरिंदे ने फूल सी बच्ची के शरीर पर दरिंदगी के घाव दिए, सोती बच्ची जागी तो उसके सिर पर एक प्रहार किया, जहां मासूम बच्ची खामोश हो गई जो बेसुध नहीं हुई थी
बल्कि उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन फिर भी दरिंदा मासूम की लाश को नोचता खरोंचता रहा और किसी को खबर ही नहीं लगी। कुछ जानला सुनाई कब उठा ले चल गए। हाँ। हम है ही मरे इन सुती रहे। हाँ। जान लिया जा हमने कोई खबर नहीं ले, हम हमरे कोई परिवार खबर बेटवा हमार दोनों बाहरे रह ले जान लिया जा। 30 नवंबर 2016 की रात ढल चुकी थी, जहां दरिंदे ने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मौकाए वारदात से बच्ची को उठाकर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया, जिससे कि वो उस वहशियत की रात को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सके। लेकिन उसकी विकृत मानसिकता की वास्तविकता से हर कोई वाकिफ था, जहां पुलिस ने एक दिन बाद ही बच्ची की लाश बरामद करते हुए इस बात की तहकीकात की कि नग्न हालत में मिली बच्ची के साथ गांव का ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जो इस हद तक गिर सकता है। इसी कड़ी में पुलिस के कान तक एक खबर मिली कि गांव का रहने वाला एक शख्स सेक्स पावर की दवाई खाता है। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसे फौरन उठा लिया और जब दरिंदे की पुलिसिया खातिरदारी शुरू हुई तो सच सामने आता चला गया और उस रात की सच्चाई सामने आई, जहां मासूम की लाश को दरिंदा जिंदा समझकर नोचता रहा। थाना अध्यक्ष के द्वारा सफलता जब मिली, जब एक व्यक्ति जिसका नाम है गोरख प्रसाद, ये गिरफ्तार किया गया और इसने घटना का जुर्म स्वीकार करते हुए उससे बलात्कार करने का प्रयास के कारण लड़की चिल्लाई, जिसके कारण उसने एक मुक्का मारा और उसकी डेथ हो गई। ये घटना को जुर्म में शरीक होना बताया, अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ही नहीं बल्कि जमाना भी दंग है कि इंसानी मानसिकता इस तरह से विकृत हो चुकी है, जहां शैतान कब किसकी खुशियां मिटा देंगे किसी को पता नहीं। आज उस परिवार की दुनिया वीरान है, जहां उन्होंने 7 साल तक अपनी लाडली को सुरक्षित रखा, लेकिन उनकी चौकसी काम न आई। दरिंदे ने फूल सी बच्ची को हैवानियत के पैरों तले रौंद कर रख दिया। ऐसे दरिंदे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही गुजारिश है एक परिवार की। लेकिन आपसे हमारी एक दरख्वास्त है कि सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। हरिंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। बुलंदशहर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक एक परिवार की उलझन बढ़ी थी कि जिसकी जिंदगी को लेकर वो डॉक्टर पर निर्भर थे, उनकी खुशियां मिटाने वाला अपराधी कौन है जिन्होंने बेवजह कारोबारी के जिस्म में सुलगती गोलियां उतार दी। जिला बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद से महज 100 मीटर की दूरी पर जब एक के बाद एक गोलियां चली तो कोई समझ ना पाया कि नफरती गोलियों का सहारा क्यों लिया गया और किस पर सुलगती गोलियां दागी गईं। हड़कंप के बीच हर कोई इस उलझन में अपनी अपनी दुकानें बंद करने में जुट गया। हबड़ तबड़ की हालत में बाजार में मौजूद लोग मौकाए वारदात पर पहुंचे। वारदात की इत्तला पुलिस को दी गई, जहां तस्वीर में दिख रहे कारोबारी सुनील को जख्मी पाकर इलाकाई लोग आक्रोश से भर उठे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी कारोबारी सुनील को हॉस्पिटल भेजने की तैयारी की, जहां ग्रेटर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में इलाज का दौर शुरू हुआ। इधर खबर मिलते ही परिवार की धड़कनें तेज हो गईं। बदहवास परिवार ने फौरन ग्रेटर नोएडा का रुख किया, जहां घर के मुखिया की जिंदगी दांव पर लगी थी। मौत के बहाने पर खड़े सुनील के इलाज में डॉक्टर इलाज करते रहे, लेकिन सुनील की रगों से इतना ज्यादा खून बह चुका था कि उनकी जिंदगी को बचा पाना डॉक्टरों के बस की बात ना थी। और आखिरकार डॉक्टरों ने अपनी जुबानी सुनील की बेवक्त मौत की पुष्टि कर दी।
जिसे सुनकर परिवार खामोश खड़ा रह गया। जी ये सिकंदराबाद के रहने वाले थे सुनील तायल जी, इनको कल शाम को 7 बजे के आसपास सिकंदराबाद शहर के अंदर ही गोली मार दी गई है। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी और गोली कहाँ लगी है? गोली इनके यहाँ साइड में पसलियों में लगी है और 3-4 आदमी थे जिन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे। रोजमर्रा की तरह कारोबारी सुनील अपने घर की तरफ रवाना हुए थे, जो इस बात से बेखबर थे कि अगली सुबह वो नहीं देख पाएंगे। घात लगाए बाइक सवार 4 अपराधी इसी फिराक में बैठे थे कि कब सुनील से सामना हो, और जैसे ही सुनील ने सिकंदराबाद इलाके में हाजिरी लगाई, चारों बदमाशों ने कारोबारी सुनील का पीछा किया। जब तक सुनील कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उनके जिस्म में सटाकर एक के बाद एक कई गोलियां मारी गईं। जख्मी सुनील को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि उनके शरीर में किसने और क्यों गोलियां उतारी। लेकिन स्थानीय लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर थी कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किन के कंधों पर है। बेखौफ हो चुके अपराधी ना दिन देखते हैं ना ही रात, बस खौफ की कहानी उकेर जाते हैं और जनता खामोश जुल्म और सितम सहने पर मजबूर होती है। लेकिन सिकंदराबाद की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाराज लोगों को आश्वस्त किया कि बदमाश जहां भी होंगे उन्हें एक एक करके पुलिस गिरफ्तार करेगी। तब कहीं जाकर नाराज लोगों ने पुलिस की बात सुनी। इनकी उम्र 56 है और इनको गोली सिकंदराबाद में लगी और यहाँ लाते लाते उनकी रास्ते में मौत हो गई थी। यहाँ ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया और बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए। गोली तो एक ही लग रही थी है ना, और इनकी उम्र 56 है। तो मृत अवस्था में आए थे सुनील कुमार टायल 56 ईयर और 8:15 के आसपास इनको लाया गया था ब्रॉड डेड। उम्र क्या होगी इनकी? उम्र इनकी 56 वर्ष। सुनील की हत्या से पूरे व्यापार मंडल में शोक की लहर है। हर कारोबारी आहत है क्योंकि सुनील व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष थे, जिनकी हत्या से लोगों की नाराजगी लाजमी थी। जिम्मेदारी पुलिस ने ली है, भरोसा पुलिस ने दिया है कि जल्द से जल्द इस केस को वर्कआउट किया जाएगा। जिस किसी ने भी कानून व्यवस्था को धता बताते हुए बीच सड़क पर सरे बाजार खूनी खेल खेला है, उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है कि सुनील की हत्या की असल वजह क्या है, किस लिए उनकी हत्या की गई, क्या सुनील की किसी से रंजिश थी या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठा की खातिर सुनील की जिंदगी मिटाई गई। जांच में जुटी पुलिस पसीना बहा रही है कि उसने जनता को भरोसा दिया है, लेकिन पुलिस उनकी उम्मीदों पर कब खरी उतरेगी कुछ नहीं पता। बुलंदशहर से कपिल शर्मा के साथ ग्रेटर नोएडा से अक्रम खान, समाचार प्लस। दो घरों के आमने सामने खड़ा नीम का पेड़ पुरखों की निशानी है, जिसे लगाने वाले ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि यही पेड़ एक दिन किसी की हत्या का कारण बनेगा। इस पेड़ की वजह से एक की जान जा चुकी है, जबकि दो परिवार बिखर गए हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। एक परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, इस बेटी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इस बेटी के सिर से एक बाप का साया उठ चुका है। बेटी बिलख बिलख कर अपने पिता को बुला रही है। उसे पता है कि उसके पिता अब उसके पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि शैतान दरिंदों ने उनकी हत्या कर दी है, और वो भी एक मामूली सी बात पर। फतेहपुर के हुसैनगंज थाने के हाजीपुर गंग गांव की ये वारदात सभी को सन्न कर सकती है। हत्या की वजहों को जानकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि विवाद मामूली था, लेकिन इस विवाद ने एक शख्स की जान ले ली, जबकि दो अन्य लोग इस विवाद में गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस विवाद के असल कारणों को आप सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे।
और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर थोड़े से विवाद में कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। दरअसल पूरा मामला एक नीम के पेड़ से जुड़ा है। यूं तो मनोहर लोधी और बच्चा लोधी का घर आमने सामने है, लेकिन दोनों घरों के बीच नीम का पेड़ आए दिन झगड़े की वजह बनता रहा है और दोनों परिवार पेड़ पर अपना हक जताते रहे। लेकिन वारदात के दिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उनको मार दिया, उनके नीम काट रहे थे सब जितने लोग पूरे परिवार भर, और लाला के यहाँ मम्मी उनकी मर गई थी, वहाँ मिट्टी में गए, वहाँ से जब वापस आए तो मना किए हैं तो नहीं माने, तो कहे भाला और सब गुलाड़ी लेके सब लोग निकले, बच्चा को और परमजीत को और वीरू को। जिसमें कई लोग की मौत हुई? एक लोग की मौत हुई और दो लोग बिल्कुल घायल है। वारदात के दिन मनोहर लोधी नीम के पेड़ की टहनियां काट रहा था। पेड़ विवाद की जड़ था, लेकिन टहनियां काटने के लिए मनोहर ने बच्चा लोधी से बात करने की जरूरत नहीं समझी। हाथ में कुल्हाड़ी लिए जब मनोहर नीम का पेड़ काट रहा था, तभी बच्चा लोधी और उसके परिवार की नजर मनोहर पर पड़ी। फिर क्या था, एक बार दो परिवारों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और बच्चा लोधी ने मनोहर को नीम का पेड़ नहीं काटने की सख्त हिदायत दी, लेकिन मनोहर मानने वाला कहाँ था, उस पर तो पेड़ काटने का भूत सवार था। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा तो परिवार के दूसरे लोग भी इस झगड़े में शामिल हो गए। दो परिवारों के बीच का ये झगड़ा इतना बेकाबू हो गया कि मनोहर लोधी ने बच्चा लोधी पर हमला कर दिया। आरोप है कि इस हमले में मनोहर लोधी के परिवार वालों ने भी उसका भरपूर साथ दिया और बच्चा लोधी पर टूट पड़े। और फिर जिस कुल्हाड़ी से मनोहर नीम के पेड़ को काट रहा था, उसी कुल्हाड़ी से मनोहर लोधी ने बच्चा लोधी के सिर पर जोरदार वार कर दिया। इस हमले से बच्चा लोधी वहीं गिर पड़े। तो वहाँ नीम कट रही थी, नीम कटने के वास्ते वो हम लोग मना करने गए और हमारे पापा ने मना किया था, आज निपटारा होगा, कुल्हाड़ी चला दी। और इसी इतने में मेरा भाई गया बड़ा मुझसे, उसको भी वो भाला मार दिया। जो हम लोग गए तो हमारे भी कुल्हाड़ी मार दी। कौन लोग है जिसने मारा? मनोहर, नाम बताओ उनके। मनोहर, वीरेंद्र, नरेंद्र, आशीष, रोहित, हमारे पापा जी। यानी पापा की मौत हो चुकी है? हाँ। कैसे, मतलब क्या, मतलब कहाँ पे चोट लग गई थी? सिर पे कुल्हाड़ी मार दी। मामला अभी थमा नहीं था, बच्चा लोधी बेसुध जमीन पर पड़े रहे, लेकिन दरिंदे यहाँ भी नहीं रुके। आरोपी मनोहर और उसके परिवार वालों ने उसके दोनों बेटों को भी अपने निशाने पर ले लिया और भाले और कुल्हाड़ी से उस पर टूट पड़े। इस हमले में बच्चा लोधी के दोनों बेटा गंभीर रूप से घायल हैं। वाजीपुर गंग बिटोरा चौकी क्षेत्र में आता है, वहाँ पे एक मनोहर लोधी और बच्चा लोधी आमने सामने दोनों का परिवार है, दोनों का मकान है, वहीं बीच में जो है एक नीम का पेड़ है। तो मनोहर लोधी कल नीम की डाली वाली काट रहे थे तो उसी को लेकर विवाद हुआ। बच्चा लोधी कहना है कि पेड़ मेरा है और उनका कहना है मेरा है, इसी को लेकर के दोनों आपस में झगड़ा हुआ और ये मनोहर लोधी ने उसने बच्चा लोधी के ऊपर पेड़ से डाल काट रहे थे उसी से मार दिए। इस घटना के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ फरार है, जबकि बच्चा लोधी की मौत हो चुकी है। वारदात की असल वजह नीम का पेड़ आज भी उसी जगह है, लेकिन विवाद की इस जड़ में दो परिवार जरूर बिखर चुके हैं। अवनीश सिंह चौहान, फतेहपुर, समाचार प्लस। सरहद की सुरक्षा करने वाले जवान का दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, उसके लिए जीता है, उसी पर मिटता है। लेकिन भदोही के रहने वाले इस फौजी का दिल उस वक्त गुस्से के गुबार से भर गया जब बाइक खड़ी करने को लेकर पड़ोसी से अनबन हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए। रात जा चुकी लेकिन दिल में खुली नफरत का रंग फीका नहीं पड़ा था। जिस हाथ में लाइसेंसी बंदूक, कंधे पर गोलियों से भरी बेल्ट और सुबह पर भद्दी गालियां, जो सरहद पर नहीं खड़ा,
पल की उस पड़ोसी की दहलीज पर मौजूद है जिसने छत्तीसगढ़ में तैनात आईटीबीपी के जवान कृष्णा जायसवाल से बाइक खड़ी करने को लेकर कहा सुनी की थी, मगर कल की तारीख उसकी थी और आज पर फौजी कृष्णा का हक था। भारी तो कृष्णा को पढ़ना ही था, साथ में उसके बड़े पिता का सहयोग जो मिल गया, जिसने ना तो अपने फौजी बेटे के गुस्से को शांत कराने की कोशिश की, ना ही उसकी वर्दी का ख्याल किया, बल्कि आग में घी की तरह काम किया, खुद भी उसी नक्शे कदम पर चलने लगा जिस पर फौजी बेटा कायम था। एक हाथ में तमंचा, दूसरे में धारदार चाकू लिए पिता के साथ गाली गलौज करते पड़ोसियों ने जमकर बवाल काटा और जैसे पड़ोसी वकील कलेक्टर ने बाइक खड़ी करने को लेकर दोबारा आवाज उठाई, उसके सीने में फौजी ने गोली उतार दी। ताबड़तोड़ चली गोलियों की आवाज से पूरा गांव थर्रा उठा, लेकिन एक गोली तो वकील की बहन प्रीति को भी लगी, जहां वकील ने दम तोड़ दिया और जख्मी प्रीति को आनंद पानन में अस्पताल पहुंचाया गया। मामला यह था, कलमारी के यहाँ गाड़ी आ रही थी, टेम्पो आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने अपना बाइक खड़ा कर दिया दारू पी के, इनका हमेशा यही काम था, तो हमने किसी तरह कल हल्का हो गया मैटर। आज हम दोनों बाइक से जा रहे थे बाहर मार्केट में, तो वही द्वार रोक के बाइक भी तोड़े और हम लोग को बलवा मारने लगे अपने द्वारे पटक के, गोली बाद में सर चली आपने मारी जी सर। सड़क से गुजर रहे फौजी ने पड़ोसी की बाइक को लेकर आवाज उठाई थी कि उसने अपनी बाइक क्यों बीच सड़क पर लगा रखी है। इस बात से तब तमाए पड़ोसी ने अपनी दबंगई दिखाई। मामला उस वक्त तो किसी तरह से शांत हो गया, लेकिन दूसरी तरफ फौजी नफरती आग में चल रहा था, जहां बात प्रतिष्ठा की थी कि किस तरह से गांव के लोगों के सामने मारने पीटने की धमकी दी गई। इस बीच कहा सुनी के साथ कब खेल खूनी हो गया पता ही नहीं चला। रास्ते में जो है मोटरसाइकिल खड़ा करके लेकर विवाद था और इसी को बात को लेकर दोनों में टकराहट हुई, जिसमें जो कृष्ण कुमार नामक जो है बताते हैं कि आईटीबीपी में है, उसने गोली चला दी और दोनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और राइफल बरामद कर ली है, 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक थी। गाँव में दहशत की कहानी लिखने वाले चाचा भतीजे को अरेस्ट कर लिया गया, जिन्होंने बंदूक के पल पर दहशत की कहानी लिखी। इस बात की पुष्टि भी हुई कि बाइक खड़ी करने को लेकर खून हुआ, लेकिन फौजी ने इल्जामों से पल्ला झाड़ लिया, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई और कातिल फौजी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसने ना तो फर्ज का ख्याल किया और ना ही वर्दी का सम्मान, अपने ही गाँव में खौफ की खूनी कहानी लिख डाली। महेश जायसवाल, भदोही, समाचार।